गुड मॉर्निंग, वी विल कंटिन्यू विद अवर चैप्टर। एज दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, सो आई हैव टू मेक दिस चैप्टर इन द 3 वीडियोज। नाउ कम टू मून, विल नॉट वेस्ट टाइम, विल रीड अवर चैप्टर। अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ एक नेचुरल सैटेलाइट है जो जिसको बोलते हैं मून। फिफ्थ लार्जेस्ट एमंग ऑल नेचुरल सैटेलाइट, ये फिफ्थ लार्जेस्ट है सारे नेचुरल सैटेलाइट से सोलर फैमिली का। इट्स अर्थ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस। द मून कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन, मून जो है एक रेवोल्यूशन को कम्प्लीट करते हैं अराउंड द अर्थ इन 27 डेज एंड 8 आवर्स में। इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस पे स्पिन करते हैं एट अबाउट द सेम टाइम, सेम टाइम पे जो कि लेता है कम्प्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। सो रोटेशन टाइम अबाउट 27.3 डेज। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, हम जिसकी वजह से मून का एक ही साइड देख पाते हैं अर्थ से। द मून इज ओपैक, मून ओपैक है एंड शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये शाइन करता है क्यों? क्योंकि इस पे सन की लाइट पड़ती है, जस्ट लाइक अ मिरर। इट टेक्स अबाउट 1.28 सेकेंड्स फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट टू रीच अस। द मून अपीयर्स इन द स्काई, मून जो स्काई में होता है डिफरेंट शेप्स में, आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। व्हेन इट इज बेयरली विजिबल, जब वो पूरा दिखता है, वी कॉल इट अमावस्या और न्यू मून। व्हेन द होल डिस्क इज विजिबल, जब व्हेन द मून इज बेयरली विजिबल, हाफ कह लीजिए जैसा भी, barely visible, we call it अमावस्या या हम कहते हैं न्यू मून। जब होल डिस्क विजिबल होता है, we call it फुल मून, जब पूरा दिखता है, या पूर्णिमा। द फेज विच एन विद एन इंक्रीजिंग साइज, जब इंक्रीजिंग साइज का फेज होता है मून का, उसको कहते हैं वैक्सिंग, और डिक्रीजिंग फेज को कहते हैं वॉनिंग। ऑल द स्पेस मिशन सेंट टू मून, सारे स्पेस मिशंस को मून में भेजा गया है, रिवील डेट इट इज डेड, बैरन एंड एयरलेस सेलेस्टियल बॉडी डॉटेड विथ सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड क्रेटर्स। मतलब जो स्पेस में मिशंस हैं जो मून पे भेजे गए हैं, वो रिवील करते हैं कि ये मर चुका है या बैरन है, कोई इसमें जान नहीं है, एयरलेस है, सेलेस्टियल बॉडी है, डॉटेड है, डॉट किया हुआ है एक सर्कुलर उससे, जिसको बोलते हैं क्रेटर्स, और ये फॉर्म होता है ड्यू टू मेटियोरिक बम्बार्डमेंट। नियरली इट हैज़ मैनी माउंटेन्स एंड प्लेन्स, इस पे कई सारे माउंटेन्स प्लेन्स है सरफेस पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप सबको पता होगा कौन है ये, ये एक एस्ट्रोनॉमर है, वॉज अ फर्स्ट मैन, ये एक पहला आदमी है जो जो स्टेप किया था मून के सरफेस को, दैट इज़ ऑन 29 जुलाई 1969। अवर सेलेस्टियल बॉडी एस्टोराइड्स, दीज आर रॉक पीसेस, ये एक रॉक पीसेस की तरह हैं, डेट लाई इन द बेल्ट, वो एक बेल्ट में रहते हैं ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर्स के बीच में। लाइक प्लैनेट दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स की तरह ये भी रिवॉल्व होते हैं। दे आर बिलीव टू बी फ्रैगमेंट ऑफ प्लैनेट, इनको फ्रैगमेंट ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, जो कि डिसइंटीग्रेटेड होते हैं आफ्टर इट्स बर्थ। मेट्योर्स क्या है, दीज आर कॉल्ड शूटिंग स्टार, मेट्योर्स को शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। मेट्योर रिजेंबल फ्लैशेज ऑफ लाइट, मेट्योर जो है वो लाइट फ्लैश करता है स्काई में। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक, जब एक छोटा रॉक का पीस या डस्ट इज ड्रॉन इन टू द अर्थ्स एटमोसफियर, जब वो अर्थ के एटमोसफियर आता है एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 70 किलोमीटर पर सेकेंड, इट बर्न्स ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एटमोसफियर, वो बर्न हो जाता है किसकी वजह से, फ्रिक्शन ऑफ एटमोसफियर की वजह। द बर्निंग पीसेस कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, सम मेटियोर्स मे नॉट बर्न, कुछ मेटियोर्स नहीं बर्न होते हैं कम्प्लीटली और वो अर्थ सरफेस पे रीच होते हैं, दे आर कॉल्ड मेटियोरिटीज। कॉमेट्स, कॉमेट्स जो है वो वर्ड कॉमेट ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड कोमे, विच मीन्स, जिसका मतलब है हेयर एंड
हेड हेयर ऑफ द हेड दे समटाइम्स अपीयर इन द स्काई, वो कभी कभी अपीयर होता है स्काई में और बहुत शाइन करता है. दे आर मेड अप ऑफ, वो काय से बना होता है, आइस गैस और डस्ट से, और अप्रोच होता है सन पे. फ्रोजन सरफेस स्टार्ट्स एंड टू इवेपोरेट, ये फ्रोजन सरफेस वो स्टार्ट हो जाती है इवेपोरेट होने में, और फिर वो क्लाउड बनता है गैस से एंड डस्ट विद टू टेल्स. सोलर विंडोज फोर्स द गैस, सोलर विंडो जो है वो गैस बैक फोर्स करती है कि गैस बैक हो अलॉन्ग विद सम डस्ट टू फॉर्म अ ग्लोइंग टेल. कॉमेट्स विजिट द सोलर सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉमेट विजिट करती है सोलर सिस्टम को बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एंड प्लूटो. सम अपीयर एट वेरी रेगुलर इंटरवल, जैसे कि हैली कॉमेट्स विच अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स. सो हियर द चैप्टर कंप्लीट्स. नाउ आई विल बी गिविंग यू सम एक्सरसाइज, यू हैव टू डू इन योर कॉपी. थैंक यू.